यस सर। ओके, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना जनरल नॉलेज का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज। तो सबको स्क्रीन शेयर हो गया? यस सर। यस सर। ओके, तो लेसन वन देखो, आज हम लोग करेंगे इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। International Monetary Fund. The International Monetary Fund, IMF, is an organization of the 189 countries working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth and reduce poverty around the world. Basically, IMF yani गुड आफ्टरनून स्नेहेश। गुड आफ्टरनून सर। ओके, सो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ कितने कंट्रीज? 189 कंट्रीज इधर दिया हुआ है, थोड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं, देख लो आप लोग भी। 189 कंट्रीज वर्किंग टू फॉस्टर क्या क्या? ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन यानी ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन के लिए, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड ट्रेड के लिए, मतलब ट्रेड को इंटरनेशनल जो होता है इंटरनेशनल ट्रेड उसको फैसिलिटेट या हेल्प करने के लिए या प्रमोट करने के लिए, हाई एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए क्या? पॉवर्टी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये है। नेक्स्ट, क्रिएटेड इन 1945 द IMF इज गवर्न्ड by and accountable to the 189 countries that make up its near global membership. Uska membership 189 countries banate hain, unke paas ye answerable and accountable hai. Okay, the IMF's primary purpose is to ensure the stability of the international monetary system. The system of exchange rates and international payments that enables countries and their citizens to transact with each other. Yani IMF ka primary purpose kya hai? Ensure karna stability kis cheez ka? International monetary system ka, the system of exchange. Good afternoon, Sampath. The exchange of rates and international payments that enables the countries and their citizens to transact with each other, ek dusre ke sath transaction karne ke liye. The fund's mandate was updated in 2012 to include all macroeconomics and financial sector issues that bear on the global stability. Yani jo fund's mandate hota hai, update kab hua tha? 2012 mein. Isme include kya hota hai? Macroeconomic and financial sector issues that bear on global stability. जो बेयर क्या करता है? ग्लोबल स्टेबिलिटी पर। देखो इधर फास्ट फैक्ट्स में, मेंबर्स कितने हैं? मेंबरशिप 189 कंट्रीज का है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड 24 डायरेक्टर्स, ईच रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्रीज। द लास्ट बोरोअर्स अर्जेंटीना, यूक्रेन, ग्रीस एंड इजिप्ट। ये है लास्ट बोरोअर्स। ओके, द लार्जेस्ट प्रिकॉशनरी लोन्स ये किसके किसके हैं? देखो, मेक्सिको, कोलंबिया, मोरक्को। प्राइमरी एम्स क्या है? प्रमोट इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन। इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सपैंड करने में, उसको बैलेंस करने में उसका ग्रोथ को हेल्प करता है। प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, एक्सचेंज जो स्टेबिलिटी है उसको प्रमोट करता है। असिस्ट इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स।
असिस्ट क्या करता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलैटरल सिस्टम्स ऑफ पेमेंट एंड मेक रिसोर्सेज अवेलेबल विथ एडिक्वेट सेफगार्ड्स टू मेंबर्स एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिफिकल्टीज. ओके, आगे चलते हैं. ओके, आईएमएफ इन न्यूज नंबर वन में देखो, इकोनॉमिक रिकवरी फॉर इंडिया इन 2020-21 आईएमएफ. द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच शार्पली कट इंडियाज ग्रोथ रेट हैज प्रोजेक्टेड अ रिकवरी इन 2020-21, यानी रिकवरी दिखाया है. एज पर द स्टेटमेंट ऑफ आईएमएफ चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ड्यूरिंग द न्यूज कॉन्फ्रेंस इन डेवोस for the release of World Economic Outlook, WEO, updated, क्या अपडेट किया देखते हैं, on January 20, 2020 January 2020 को, the recovery is expected to come from the monetary stimulus that has been put in the system and some of it from the corporate tax cut. और some of it कहाँ से, corporate tax cut से. India's growth rate is expected to shoot up from estimate of 4.8% for the current fiscal year by 1% to 5.8% in 2020-21. Yani current year mein from 4.8% to fiscal year kya hai abhi ka current 1% to 5.8. 4.8 plus 1% equal to 5.8%. In 2020-21. Okay, next देखो, IMF downgrades world growth. Sir, इटा की वही fiscal deficit वही जिनिस था ना कि? Fiscal year, fiscal deficit, fiscal expansion, सब कुछ तो इस fiscal के अंदर ही आता है. वो deficit हो सकता है, surplus हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अच्छा. Okay. IMF cautions there are abundance of potential triggers. IMF cautions there are abundance of potential triggers. Okay, for the situation to turn negative quickly, ये जो triggers हैं, ये situation को negative बना सकते फटाफट, including the possibility of more US tariffs on China or on European autos, as well as no ideal Brexit and the high debt levels in the many countries. Yani idhar Europe kya bolte hai, US tariffs kahan pe lag rahe hain, China pe aur on European autos pe. To kya bolte hain, no debt Brexit and the high debt levels in many countries. High debt levels yani high debt levels यानी higher debt जो लगा हुआ है वो. आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes sir. Okay. Global trade tensions and continued uncertainty are sapping the strength of the world economy, which faces a precarious 2020. The International Monetary Fund IMF warned in July 2019. तो इसका क्या मीनिंग है आप लोग बोलो? IMF ने 2019 में ये पहले ही बता दिया था कि ऐसा हो सकता है. Trade conflicts are undercutting investment and the IMF urged countries not to use tariffs in place of negotiations. Yani IMF ne pehle hi countries ko request kiya hai ki aap log tariffs use na kare, kiski jagah pe, negotiations ke jagah pe negotiate kare, that is much better. Just a minute.
The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was established on 8th August 1967. Yani 8th of August 1967 ko Bangkok, Thailand, with the significance of the ASEAN Declaration, Bangkok Declaration jo ki hai, by the founding countries of ASEAN, namely क्या क्या फाउंडिंग कंट्रीज है ये क्वेश्चन आ सकता है तो इधर देख लो अच्छे से इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर एंड थाईलैंड ये सब कंट्रीज फाउंडर कंट्रीज है बेसिकली फाउंडिंग कंपनीज है ऑफ ASEAN द करंट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इंक्लूड इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड ब्रुनेई कंबोडिया Laos, Myanmar, Vietnam. ठीक है आगे देखो ब्रुनेई दारुसलाम joined on 7th January 1984. Vietnam on 28th July 1995. Lao PDR and Myanmar on 23rd July 1997, Cambodia on 30th April 1999 and making up the 10 members state of ASEAN. यानी अगर आपको पूछा गया who are the 10 member states of ASEAN तो अब आप लोग बोल पाओगे ओके देखो पर्पस में आ जाओ एम एंड पर्पस में To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region. Accelerate क्या करने के लिए यानी बढ़ाने के लिए तेजी से Economic growth, social progress and cultural development in the region. आगे क्या आता है देखते हैं Throughout joint endeavors in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation. For a prosperous and peaceful community of Southeast Asian nations. Yani throughout joint endeavors in the spirit of equality and partnership in order to strengthen kya karne ke liye foundation or for a prosperous and peaceful community. Prosperous yani jo badhna, multiply hona, kya bolte hain, better hona, peaceful yani shant community. Of Southeast Asian nations to promote regional peace and stability through abiding respect for justice and the rule of law in the relation among countries of the region and adherence to the principles of United Nations Charter. Yani, kya karne ke liye? Relationship. इन कंट्रीज़ के बीच में रूल ऑफ लॉ के साथ जोड़ने के लिए और अडियर यानी स्टिक टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर यूएनसी भी जिसे कहा जाता है ओके टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन द इकोनॉमिक सोशल कल्चरल टेक्निकल साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स To provide assistance to each other in the form of training and research facilities in the educational, professional, technical, and administrative spheres. To collaborate more effectively for the greater utilization of their agricultural and industries, the expansion of their trade, including the study problems of international commodity. Commodity trade, the improvement of their transportation and communication facilities and raising to their living standards of these people. क्या बोलते हैं इन लोगों के क्या बोलते हैं living standards को raise करने के लिए इसका basically meaning है. To promote Southeast Asian studies, Southeast Asian studies को promote करने के लिए, maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organizations with similar aims and purposes and explore all avenues
for even closer cooperation among themselves. इसके थ्रू आप लोग एक बार जाओगे, ये जो समिट वगैरह है, एसीन समिट, 35th एसीन समिट वगैरह, इसके थ्रू आप लोग घर पे जाओगे, हम आपको पीडीएफ दे देंगे. ये याद रखना, थाईलैंड होल्ड्स द रोटेटिंग चेयर ऑफ द एसीन फॉर 2019. The theme of the summit was advancing partnership for sustainability. ये सब important points है, ये सब याद रखना. अच्छा इधर आ जाओ, BRICS. Just a minute. Okay, BRICS. BRICS is an informal group of states comprising of the Federative Republic of Brazil, the Russian Federation, the Republic of India, the People's Republic of China, and the Republic of South Africa. So, इधर कौन से क्या बोलते हैं informal group of states हैं? Federative Republic of Brazil, the Russian Federation. The Republic of India, the People's Republic of China, the Republic of South Africa. On 20th September 2006, the first BRICS minister meeting was held at proposal of Russian President Vladimir Putin on the margins of UN General Assembly session in New York. Okay. Foreign Minister of Russia, Brazil and China and the Indian Defense Minister took part in the meeting. They expressed their interest in expanding multilateral cooperation. ये लोग multilateral cooperation expand करने के लिए और express करने के लिए meeting में. ये सब आप लोग घर में गो थ्रू करोगे, ये जो मीटिंग्स के बारे में बोला है, 11th ब्रिक मीटिंग. ओके इधर आओ. इंडियन आर्ट 27 डील विथ रशिया. India has signed a deal worth rupees 1500 crores to buy R-27 air-to-air missiles from Russia. The objective of this deal is to boost the capabilities of Indian Air Force, IAF, in beyond visual targets. The R-27 air-to-air missiles will be equipped on the SU 30 MKI fighter jets. तो ऐसे क्वेश्चन आए तो अब आप लोग आंसर दे सकते हो. द आर 27 इज अ मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल विच वॉज इनिशियली डेवलप्ड फॉर MIG एंड SUKHOI सुखोई फाइटर्स, MIG एंड सुखोई फाइटर जेट्स. ओके Russia developed these missiles to add to the capability to the Sukhoi and MIG warfare aircraft. Indian Air Force has signed a 7,600 crore deals in the past 2 months. Past 2 months mein aise 7,600 crore ka deal sign kiya hai India ne. These deals have done to acquire types of equipment under emergency requirements. Emergency requirements के टाइम पे यूज करने के लिए ऐसा डील किया गया है.
ओके ये सब तब लोग देखोगे थोड़ा इधर आ जाओ आप लोग साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन SAARC द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन SAARC was established with the signing of SAARC क्या बोलते हैं चार्टर इन ढाका ऑन 8 December 1985 SAARC comprises of 8 member states क्या क्या member states हैं देखते हैं अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव्स नेपाल पाकिस्तान श्रीलंका तो ये तो बहुत इजी हैं ये याद रख सकते हैं क्योंकि ये सारे ही इंडिया के नेबर्स हैं तो अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान मालदीव्स इंडिया भी है भूटान है श्रीलंका है और नेपाल है द सेक्रेटेरिएट ऑफ द एसोसिएशन वॉज सेट अप इन काठमांडू ऑन 17 जनवरी 1987 में एसोसिएशन काठमांडू में सेट किया गया था ओके द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसोसिएशन आउटलाइंड इन SAARC चार्टर आर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स ऑफ साउथ एशियन and to improve their quality of life to accelerate economic growth economic growth ko badhawa dene ke liye badhane ke liye progress and cultural development in the region and to provide all individuals the opportunity to live in dignity and to realize their full potentials to promote and strengthen collective self-reliance among the countries of South Asia to contribute to mutual trust understanding and appreciation of one and another's problems to promote active collaboration and mutual assistance in the economic social cultural technical and scientific fields to strengthen cooperation with other developing countries cultural technical scientific and to cooperate with international and regional organizations with similar aims and purposes okay ye to hua acha jaise aap logon ko bola hai in meetings ke bare mein aap log thoda ghar pe go through karoge kya hua इधर देखो द ग्रुप ऑफ 20 G20 द ग्रुप ऑफ 20 G20 इज द क्या बोलते हैं प्रीमियर इंटरनेशनल फोरम फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन द मेंबर्स ऑफ द G20 आर अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कनाडा चाइना फ्रांस जर्मनी इंडिया इंडोनेशिया इटली जापान रिपब्लिक ऑफ कोरिया मेक्सिको रशिया सऊदी अरेबिया South Africa, Turkey, United Kingdom, United States of America, and European nation. G20 members account for 85% of the world economy, 75% of global trade, and 2/3 of world population, including more than half of the world's poor. Yani more than half of the world's poor bola hai. G20 leaders meet annually at the G20 summit. Finance minister and central bank governors meet regularly. G20 kya bolte ministerial meetings example trade meeting jo tha basically agriculture meeting employment meeting health meeting also occur in
also occur as each G20 presidency decides. G20 engagement groups maintain a dialogue with a policy makers. मतलब उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं. दीज ग्रुप्स रिप्रेजेंट सिविल सोसाइटी, बिजनेस एंड लेबर लीडर्स, द साइंटिफिक एंड रिसर्च कम्युनिटी, थिंक टैंक्स, वुमेन एंड यूथ. वुमेन एंड यूथ को भी इंक्लूड करते हैं इसमें. G20 न्यूज एक बार देखना घर में. The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral, क्या बोलते हैं, Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC, BIMSTEC. BIMSTEC is a regional organization comprising 7 member states lying in the littoral and adjacent areas of Bay of Bengal. बे ऑफ बंगाल के एडजेसेंट या फिर लिटोरल एरियाज में जो रहते हैं. कंस्टिट्यूटिंग ऑफ कंटेजियस रीजनल यूनिटी. रीजनल यूनिटी बहुत ज़्यादा है. द सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू बीइंग ऑन 6 June 1997 द बैंकॉक इन द थ्रू द बैंकॉक डिक्लरेशन. द इट कंस्टिट्यूट 7 मेंबर्स स्टेट्स, 5 deriving the मतलब deriving from South Asia, including क्या क्या, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, and from the Southeast Asian जगह कौन सी है, Myanmar and Thailand initially. Okay, the क्या बोलते हैं, economic block was formed with 4 member states with the acronym BISTEC, Bangladesh, India, Sri Lanka and Thailand Economic Cooperation. Following the inclusion of Myanmar on 22nd December 1997 during a special ministerial meeting in Bangkok, the group was renamed BIMSTEC. Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand Economic Cooperation. With the admission of Nepal and Bhutan at the 6th ministerial meeting February 2004, Thailand, the name of the grouping changed to Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC. The objective of building such an alliance was to harness shared and accelerated growth through mutual cooperation in different areas of common interest by mitigating and mitigating the onslaught of globalization and the utilization regional resources and geographical advantages. Unlike many other regional groupings, BIMSTEC is a sector driven cooperative organization starting with 6 sectors including trade, technology, energy, transport, tourism, fisheries for sectoral cooperation in the 1997. It expanded to the to embrace 9 more sectors including agriculture, public health, property elevation, counter terrorism, or environment, culture, people to people contact and climate change in 2008. Okay, BIMSTEC in news ki ghar mein aap log dekhoge. National bodies among others, NITI Aayog, यानी नीति आयोग जिसको हम लोग बोलते हैं,
जिसको आप लोग अगर ऐसे देखोगे तो नीति आयोग के नाम से आप लोग जान सकते हो. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं आपका RBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जिसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, फिर आप लोगों का हो गया द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI, द इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI जो आप लोगों का है. ओके द नीति आयोग, देखो कब इस्टेब्लिश हुआ था, मार्च 1950 को, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन के द्वारा विद प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन. द इनिशियल मैंडेट वॉज टू इस्टेब्लिश हैवी इंडस्ट्रीज थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. द फंक्शंस असाइंड बाय प्लानिंग कमीशन वर टू असेस, एलोकेट प्लान रिसोर्सेज, formulate plans and programs to areas development, क्या बोलते हैं, determine the implementation method, methodology, identify resources constraints and appraise and adjust implementation. The planning commission from 1950 to 2014 formulated 12 five-year plan. The prime minister announced the closure of the planning commission from the ramparts of Red Fort on 15th August 2014. इसको आप लोग गो थ्रू करोगे. इधर देखो, नीति आयोग इज द प्रीमियर पॉलिसी, द थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग बोथ डिक्लेरेशनल एंड पॉलिसी इनपुट्स वाइल द डिजाइनिंग स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म policies and programs for government of India. Niti Aayog also provides relevant technical advice to the center and states. Ek minute. Present day constitution of Niti Aayog as on February 3rd, 2020. Dekho chairperson kaun hai? Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister. Vice chairperson hai Dr. Rajiv Kumar. Full time members hai Shri V.K. Saraswat. Kya bolte hai? Professor Ramesh Chandra, Dr. V.K. Paul. Ex officio members Shri Rajnath Singh, Minister of Defence. श्री अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, श्रीमती निर्मला सीतारमन, मिनिस्टर ऑफ फिनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज. ओके, स्पेशल इन्वाइटीज श्री जतिन जयराम गडकरी, फिर मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस श्री तनवर चंद गहलोत, फिर क्या बोलते हैं आप लोगों का है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री श्री रैको इंद्रजीत सिंह, श्री राव इंद्रजीत, रैको बोलते हैं गलती से, राव इंद्रजीत सिंह, क्या बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, एक्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कौन है आप लोगों का है श्री अमिताभ कांत.
और आप लोग घर पे देखोगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वॉज इनिशियली एस्टैब्लिश्ड इन कैलकटा बट वॉज परमानेंटली मूव्ड टू मुंबई जस्ट अ मिनट इन 1937। The central office is where the governor sits and where policies are formulated. Through originally privately owned since nationalization in 1949, the Reserve Bank is fully owned by the Government of India. Okay, the basic functions of the Apex Bank is described in the क्या बोलते हैं preamble as to regulate the issue of bank notes and keeping of reserves with a view of securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage. To have a modern monetary policy framework to meet the challenge and increasing complex economy to maintain price stability while keeping in mind the objective growth. There are SEBI, Securities and Exchange Board of India. The Securities and Exchange Board of India was established on 12 April 1992 in accordance with the provisions of the SEBI Act 1992. The preamble of the Securities Exchange Board of India describes the basic functions of the Securities and Exchange Board of India as to protect the interest of investors in securities and to promote the development of and to regulate the securities market and for matters connected therewith or incidental thereto. Shri Ajay Tyagi is the present chairman of Securities and Exchange Board of India. Shri G. Mahalingam, Ms. Madhavi Puri Butch, Shri S.K. Mohanty and Shri Anant Barua are the whole time members. Ghar pe dekhoge. Competition Commission of India, CCI, the Competition Act. The Competition Act 2002 was amended by Competition Amendment Act 2007, follows the philosophy of modern competition laws. The Act prohibits anti-competitive agreements, abuse of dominant position by enterprise and regulates combinations. Acquisition, acquiring of control and M&A, which causes or likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India. The Competition Commission of India, has been established by the central government with effect from 14th October 2003 to achieve the objectives of Competition Act. CCI consists of chairperson and 6 members appointed by the central government. It is the duty of the commission to eliminate practices having adverse effect on competition, promote and sustain competition, protect the interests of consumers and ensure freedom of trade in the markets of India. The commission is also required to give opinion on competition issues
on a reference received from a statutory authority established under any law to undertake competition advocacy, create public awareness and impart training on competition issues. Shri Ashok Kumar Gupta, a 1981 batch IAS officer, joined the Competition Commission of India as chairperson in November 2018. Dr. Sangeeta Verma and Shri Bhagwant Singh Bishnoi are the members of the commission. IBBI, the Insolvency and Bankruptcy Board of India. The Insolvency and Bankruptcy Board of India was established on October 1, 2016 under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. It is a key pillar to the ecosystem responsible for implementation of the code that consolidates the and amends the laws relating to recognition and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time-bound manner for maximizing of the value of assets of such persons to promote entrepreneurship, availability of credits and balance the interest of all stakeholders. It is a unique regulator which regulates a professional as well as processes. It has regulatory oversight over the insolvency professionals, insolvency professional agencies, insolvency professional entities, and information utilities. It writes and enforces rules for processes, namely corporate insolvency, resolution, corporate liquidation, individual insolvency resolution and individual bankruptcy under the code. It has recently been tasked to promote the development of and regulate the working and other institutions in furtherance of the purpose of the code. It has also been designed as the authority under companies registered valuers and valuation rules 2017 of regulation and development of professional of values in the country. Dr. M. S. Sahu currently serves as chairperson of Insolvency and Bankruptcy Board of India. Dr. Navrang Saini, Dr. M. S. Mukulita, Vijay Vargiya and Shri Sudhakar Shukla are the whole time members of the board. सब आप लोगों को घर पे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा नहीं तो नहीं होगा. आप लोगों का जगह आ गया जो कि है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आईसीएसआई इज द ओनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी इन इंडिया टू डेवलप एंड रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया. इट इज अ प्रीमियर नेशनल प्रोफेशनल बॉडी सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980. फंक्शंस अंडर द jurisdiction of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. The Institute, being a proactive body focused on best top quality education to students of company secretary course and best quality set standards for CS members. ICSI has its headquarters in New Delhi, 4 regions offices at New Delhi, Chennai, Kolkata and Mumbai.
मतलब जो फोर मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, एंड 70 चैप्टर्स अक्रॉस इंडिया. इंडिया हैज़ बीन, सॉरी, ICSI हैज़ बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट हैव पोटेंशियल टू एक्सेल द सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया. जस्ट अ मिनट, एक मिनट. हाँ, आप लोगों से स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? हेलो. यस सर. स्क्रीन शेयर है? नो सर. स्क्रीन नहीं दिख रहा है किसी को? ना सर, स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा है. ओके, जस्ट अ मिनट, रुक जाओ. अब देख रहे हैं स्क्रीन? यस सर. ओके. कुछ पार्ट्स हम आप लोगों के लिए रखे हैं, आप लोग जब ये चैप्टर्स पढ़ोगे तो आप लोग गो थ्रू करोगे, आपको मिल जाएगा आज ही PDF. आप लोग डायरेक्टली आ जाओ बिजनेस पर्सनालिटीज एंड लीडर्स, लेकिन आप लोगों को घर पे पूरा चैप्टर अच्छे से गो थ्रू करना है, जिससे पेपर में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आप लोग लिख पाओ. इट इज़ मोर अबाउट रीडिंग. तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बिजनेस पर्सनालिटीज एंड लीडर्स के बारे में. नंबर वन देखो, मुकेश अंबानी. अच्छा, मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता है? इनको हम लोग सब जानते हैं. मिस्टर मुकेश डी अंबानी इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन केमिकल इज अ केमिकल इंजीनियर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई. Erstwhile the University Department of Chemical Technology, University of Mumbai, he pursued an MBA from Stanford University in the US. He has been on the board of Reliance since 1977. Mr. Mukesh Ambani is a member of the foundation board of the World Economic Forum. He is an elected foreign member of the prestigious United States National Academy of Engineering. He is a member of the Global Advisory Council of Bank of America,
among others, he is also the member of International Advisory Council of the क्या बोलते हैं Brookings Institution. Next देखो, Azim Premji. Azim Premji is an Indian business and entrepreneur who served as chairman of Wipro Limited, guiding the company through four decades of diversification and growth to emerge as a world leader in the software industry. By the early 21st century, Premji had become one of the world's wealthiest persons. Despite his vast personal wealth, Premji continued to be recognized for his modesty, lack of extravagance and charity. In 2001, he established the non-profit Azim Premji Foundation, through which he aimed to improve the quality of elementary education in rural regions throughout India. But the end of the first decade of the 21st century, the foundation had extended computer-aided education to more than 16,000 schools, with child-friendly content increasing available in the local languages. Premji's reputation remained that of a highly ethical entrepreneur whose operation served as a model for other Indian firms. नेक्स्ट देखो, कुमार मंगलम बिरला. मिस्टर कुमार मंगलम बिरला इज द चेयरमैन ऑफ द आदित्य बिरला ग्रुप. ही इज वन ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ द क्या बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड द एपेक्स एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया. मिस्टर बिरला हैज सेवरल की पोजिशंस on various regulatory and professional boards. He was a director of Central Board of Directors of the Reserve Bank of India. He was a chairman and the advisory committee constituted by the Ministry of Company Affairs, and also served on the Prime Minister of India's Advisory Council on Trade and Industry. Mr. Birla has won recognition for his explanatory contribution to leadership processes and institutions or system building. SEBI had constituted a committee on corporate governance under the chairmanship of Shri Kumar Mangalam Birla. SEBI board to promote and raise the standard of corporate government in respect of listed companies. The SEBI board in its meeting held on 25th January 2000, considering the recommendation of the committee and decide to make the amendments to the listing agreement. Tim Cook is the CEO of most valuable company in the world, Apple. He took over Apple after the company's founder Steve Jobs scrambled to cancer in his 2011. Cook has helped navigate Apple through the transition after Jobs' death, as well as developing new product lines and opening Apple retail stores in China. He has also led to a very public battle against the FBI and their demand that Apple creates a backdoor for user iPhones. Next है बिल गेट्स. बिल गेट्स फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीसी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, एंड ईच ईयर ही हैज कंस्टिट्यूएंटली नियर द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट पीपल. ओवर द इयर्स गेट्स हैज स्लोली ट्रांजिशन अवे फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड नाउ philanthropic ventures. His foundation, the Bill and the Melinda Gates Foundation, is working on to provide clean water and sanitization, among other things, to
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक वॉरेन बफेट गेट्स हैज ऑल्सो प्रॉमिस टू लीव द वास्ट मेजोरिटी ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी. नेक्स्ट है एलन मस्क. एलन मस्क वॉज बॉर्न इन साउथ अफ्रीका, इज अ बिजनेस मैन, इन्वेंटर एंड इन्वेस्टर. मस्क इज मोस्ट वाइडली नोन फॉर हिज फाउंडेशन ऑफ पेपैल एंड स्पेस एक्स एंड हिज हैवी इन्वॉल्वमेंट इन टेस्ला मोटर्स. हिज विजन एंड पैशन फॉर पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर इंटीग्रेशन हैव लेड टू इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू सोलर पावर, हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वॉरेन बफेट. वॉरेन बफेट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड. सम पीपल हैव रेफर्ड टू हिम एज द विजर्ड ऑफ ओमाहा, द बर्थ प्लेस ऑफ ओमाहा नेब्रास्का, एंड ही इज कंसिस्टेंटली नेम्ड, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंटली नेम्ड एज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. He has also pledged to give away nearly 99% of his accumulated wealth to philanthropic causes after his death. Baki dekho leaders mein aao. Narendra Modi. Shri Narendra Modi was sworn in as India's Prime Minister on 30th May 2019, marking the start of his second term in office. The first ever prime minister to be born after independence. The kya bolte hain, Shri Modi has previously served as the prime minister of India from 2014 to 2019. He also has the distinction of being the longest serving chief minister of Gujarat, with his term spanning from October 2001 to May 2014. Beyond politics, Narendra Modi enjoys writing. He has authored several books, including poetry. He begins with his day with yoga and strengthening his body and mind, and instills the power of calmness in other fast-paced routine. Donald J. Trump. Donald J. Trump is the very definition of American success story, setting the standards of excellence in his business endeavors and now for the United States of America. A graduate from the Wharton School of Finance, President Trump has always dreamt big and pushed the boundaries of possibilities to the outermost region of his entire career, devoting to the life, to the building business, jobs and American dreams. This was brought to life by the movement he inspired in the people of America when he announced candidacy for president of the United States in 2015. ये आप लोग एक बार go through करना, क्योंकि आप लोगों को वैसे भी सब कुछ go through करना ही एक बार घर में. हम जितना easily आप लोगों को short में करा पाएँ, आपको जिससे easy रहे वही हम करा रहे हैं. Difficult parts हम करा दे रहे हैं आपको. ओवर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को कलेक्ट करना पड़ेगा इसको पढ़ के दोबारा. अच्छा, ये आप लोग एक बार गो थ्रू करना घर पे, जो कि है बिजनेस पर्सनालिटीज एंड लीडर्स इन न्यूज. ये न्यूज वाला ही चीज़ है, ये आप लोग एक बार घर पे करना, कि आप लोगों को याद रखना पड़ेगा अच्छे से. बुक्स एंड ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स में ये सब आप लोग एक बार घर पे देखोगे. स्पोर्ट्स भी. इधर आ जाओ, स्पोर्ट्स की इस जगह पे आ जाओ एक मिनट. द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ इंडिया अवार्ड. Rani Rampal, captain of Indian women's hockey team, became the first hockey player in the world to win the prestigious World Games Athlete of the Year award. The World Games announced the winner of January
31st 2020 after a 20-day voting process by sports lovers around the world. The award was given for outstanding performance, social concerns and good behavior. People across the world select the winner through voting. 2019 Spirit of Cricket Award. Indian skipper Mr. Virat Kohli was named captain of both ICC Test and ODI teams of 2019 and awarded the ICC 2019 Spirit of Cricket Award. Rohit Sharma was also honored with ICC ODI Cricketer of the Year 2019 Award. The ICC awards were announced on January 15, 2020. ICC Cricket World Cup 2019. The ICC Cricket World Cup 2019 was held in England and Wales from 30th May to 14th July 2019. The ICC Cricket World Cup WCW takes place every 4 years. The 2019 event featured 10 teams and was the culmination of global qualification process that ran over 5 to 6 year period. The top 8 teams of ICC one day markings were given date approximately 18 months prior to the CWC qualified automatically. The final 2 teams came to the ICC Cricket World Cup qualifier, which took place in the year prior to the Cricket World Cup. This event in the culmination of ICC World League series and regional qualification events, which provide the opportunity for every ICC member to progress through the qualification process of participation in the WCW. All teams played each other in full round robins, robin format, with the top 4 progressing to the semi-finals and the winner contesting the CWC finals. Okay, Commonwealth Games Federation. The Commonwealth Games Federation, CGF, is the organization responsible for the direction and the control of Commonwealth Games, of the Commonwealth Youth Games, and for the delivering of the vision of the Commonwealth sports movement to build peaceful, sustainable, and prosperous communities globally by inspiring the global wealth athletes to drive their impact and ambition of the Commonwealth citizens through sports. Acha. It is an organization headquartered and incorporated in the UK, but working across 71 member nations and territories. The GCF is based at Commonwealth House of London, Pall Mall, alongside kya bolte hain, and working closely with colleagues from the Commonwealth Secretariat, the Royal Commonwealth Society of the Commonwealth Local Government Forum. Next Commonwealth Games will be hosted by England 27th August to August 7th at Birmingham. The Birmingham 2022 Commonwealth Games will demonstrate the very best of global Britain to the world, showcasing the region's strengths of being connected and accessible youth and the inclusivity and the focus of regeneration and the rejuvenation. Birmingham is perfectly positioned to attract people to the games to ensure that the benefits of hosting extend from the city and the region to the UK and the Commonwealth. आप लोग ये ओलंपिक गेम्स, विंटर ओलंपिक गेम्स, ये सब से थोड़ा गो थ्रू करना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रोग्राम, ये सब आप लोग थोड़ा गो थ्रू करना. कपिल देव टू बी द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राय स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, ये सब कुछ. पीवी सिद्धू क्या बोलते हैं, वन गोल्ड 2019 BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप. लैंग्वेजेस एंड नेशनल सिंबल्स. ओके, टुडे
7111 languages, yani 7101 languages are spoken in the world, and interestingly just 23 languages account for more than half of the world's population. Languages in India, official language of official language or languages of a state, article 345 of Constitution of India, subject to the provisions of Article 346 and 347, the legislature of a state may be law adopted by any one or more of the languages in use in the state of or Hindi as their language or languages to be used all or any of the official purpose of the state, provided that until the legislature of the state otherwise provides by the law, English language shall continue to be used to those official purposes within the state for which it was being used immediately before the commencement of this constitution. The language for the time being authorized for use in the union for official purposes shall be the official language for communication between one state and another state, between a state and the union, provided that if two or more states agree that the Hindi language should be the official language for communication between such state, the language may be used for such communication. Languages in news, ek bar padhoge aap log? नेशनल सिंबल्स में आ जाओ. नेशनल सिंबल्स में नेशनल फ्लैग आता है. नेशनल फ्लैग के बारे में इधर जो लिखा है वो तो बेसिकली आपको पता ही है क्या है. सबसे टॉप लेयर होता है सैफरन, मिडिल लेयर होता है वाइट, जिसके बीच में होता है ब्लू चक्र which is known as the Ashoka Chakra. It has 24 spokes या फिर wheel जो बना हुआ है उसके 24 spokes होते हैं, जो कि navy blue color का होता है. Last होता है जो नीचे वाला, वो है green. और इसको Dharma Chakra भी कहा जाता है. National currency इस rupees sign से denote किया जाता है. ये adopted किया गया है 2010 में और यूज किया जाता है 8 जुलाई 2011 से. र लिख के बीच में से काटा हुआ. स्टेट एम्ब्लम, स्टेट एम्ब्लम ये जो लायंस वाला, लायन का हेड वाला जो बना हुआ है, इसे यूज किया जाता है. ओके. नेशनल बर्ड, हम लोगों का नेशनल बर्ड क्या है, आप लोगों को बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. पीकॉक है जो कि मेल होता है, जो कि सबसे सुंदर होता है, रेन में डांस करता है. अच्छा, नेशनल एनिमल हम लोगों का रॉयल बंगाल टाइगर है. इट इज़ अ स्ट्राइप्ड एनिमल. पैंथर टाइग्रेस इज द स्ट्राइप्ड एनिमल. इट इज़ थिक येलो कोट विथ फर एंड डार्क स्ट्राइप्स. नेशनल फ्लावर हम लोगों का लोटस है, जिसको कमल के नाम से भी हम लोग जानते हैं. ओके, देखो अब देखो ओलंपिक सिंबल्स. ओलंपिक सिंबल्स का क्या बोलते हैं डेफिनेशन इधर है. ये डेफिनेशन आप लोग गो थ्रू करना, इसका मीनिंग समझा देते हैं. द ओलंपिक सिंबल रेफर्स टू एक्टिविटी ऑफ ओलंपिक मूवमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन ऑफ द फाइव कॉन्टिनेंट्स एंड द मीटिंग ऑफ एथलीट्स फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड एट द ओलंपिक गेम्स. अवार्ड्स एंड ऑनर्स आप लोग पढ़ोगे, हिस्ट्री एंड रेलिवेंस, भारत रत्न, सब कुछ. पद्म अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स में भारत रत्न होता है और पद्म अवार्ड्स. पद्म अवार्ड्स के तीन पार्ट होते हैं. पद्म सबसे लोएस्ट पार्ट होता है, पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस, पद्म भूषण उसके ऊपर होता है जो डिस्टिंग्विश सर्विस फॉर हायर ऑर्डर, और पद्म विभूषण यानी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीन होते हैं फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस.
ओके, और इन तीनों से ऊपर जो होता है ये तो पद्म अवार्ड्स हो गए, इससे ऊपर जो होता है वो होता है भारत रत्न, यानी भारत का रत्न, द जेम ऑफ इंडिया बेसिकली. अभी तक कितने अवार्ड्स दिए हुए हैं देखो, भारत रत्न 48 लोगों को मिले हुए हैं, पद्म विभूषण 314 लोगों को मिले हुए हैं, पद्म भूषण 1271 लोगों को मिले हैं, और पद्मश्री 3123 लोगों को मिले हुए हैं. ओके, अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड. दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत कॉमन है, इसके बारे में आप लोग एक बार पढ़ोगे और आप लोग मेरे को बताओगे आप लोगों को क्या समझ में आया है. ये जो अदर अवार्ड्स जो है इंटरनेशनल, ये सब आप लोग गो थ्रू करो, मोर ऑर लेस ये आपको थोड़ा सा खुद से पढ़ना पड़ेगा याद रखने के लिए, और कुछ नहीं. जो मेन पार्ट्स है मैंने आप लोगों को जितना जिस्ट में हो सके करवा दिया है, एंड इट इज टू बी ऑनेस्ट डन. बाकी आप लोगों को गो थ्रू करना पड़ेगा क्योंकि जीके है, जीके में कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आप लोगों को घर पे इसको पढ़ना पड़ेगा. ओके, तो सबको समझ में आया मोर ऑर लेस क्लास आज का? यस यस सर. ओके, तो चलो आज के लिए फिर इधर तक ही रखते हैं.